हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों से इस सेपर से बहुत इजी स्टेप में स्लीव्स कट करना बताऊंगी और ये बहुत ही स्टाइलिश होने वाली है। इसलिए यहाँ पर हमने कपड़े को फोर फोल्ड में रखा हुआ है, जिसकी वेड हमने ली है 8.5 इंच की और लेंथ हमने यहाँ पर ली है 21 इंच की। इसके बाद मार्क लगा लेना है और कट कर लेना है। फिर इसके बाद में हमने क्या करना है, ये शेपर रखना है एक कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इस लाइन से ड्रॉ कर लेना है नीचे तक। ये मिलाने के बाद ऊपर की तरफ से हल्का सा हमें कर्व देना होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बहुत ही ईजी से इस स्टेप में हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है आर्म होल की। अब हमें आगे की तरफ क्या करना है, पूरी ही चौड़ाई का लेना है। 7.5 हमने यहाँ पर लिया है, 1 इंच मार्जिन ही छोड़ा है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक फोल्ड के लिए अलग से रख लेना है। फिर से हमें एक शेपर लेना है जो कि हमारा लेग कर्व का शेपर है। फिर इसके बाद में हमें नीचे तक मिला देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। आगे से मैं स्लीव्स में पिन टक्स डालने वाली हूँ, तो अब इसको हम फटाफट कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं आज पूरा फुल स्टिच करके भी दिखाऊंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी चीज़ें पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स तो कट कर ली है, अब स्लीव्स में आगे की तरफ हमें 1/2 इंच का कट देना होता है, जिसके लिए हमने 2 अपोजिट साइड फेस रखा हुआ है। और इस पे हमें नीचे कॉर्नर की तरफ से 1/2 इंच मार्किंग करते हुए आगे की तरफ हमें इस तरीके से एक कट लगाना होता है। तो ये कट हमारे आर्म होल के झोल के लिए होता है। जब भी अगर आर्म होल के झोल आता है आपका, तो इस तरीके से आप मार्किंग करते हो तो आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्किंग कर ली है, अब इसी पर हमें कट कर लेना है। ये हमें फ्रंट पार्ट पर करना होता है, बैक पार्ट पर नहीं। अब यहाँ पर इसको भी हमने कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट पे आगे बॉटम वाले पार्ट पे हमें क्या करना है, पिन टक्स डालना है। तो हमने पहले दोनों कॉर्नर से 1-1 इंच पे मार्क लगा लिया है। फिर हम जो पिन टक्स डालने वाले हैं वो 2-2 इंच की गैप पे डालेंगे। तो हम पहले 2-2 इंच पे मार्क लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने इसको मार्क लगा लिया है। अब 8 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जहाँ तक हमें पिन टक्स को ड्रॉ करना है। इसके बाद हमारी प्लेन स्लीव्स रहेगी। आप इसको कुर्ती पे, टॉप पे या फिर टी शर्ट वगैरह पे चाहो तो बना सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश ये स्लीव्स लगने वाली है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये फ्रंट वाले पार्ट पर हमें पिन टक्स डालना है। तो हमें फ्रंट वाले पार्ट पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब चलिए इसको स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें पिन टक्स डालना होगा, तो पिन टक्स के लिए हमें सीधी साइड पकड़ना है और इसके बाद हमें 1/2 पॉइंट आगे से ही इस पर पिन टक्स डालना होगा। इससे ज़्यादा अगर आप पिन टक्स डालते हो तो फिनिशिंग आपकी कम आएगी और दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप बस 2 पॉइंट आगे से ही इसको सिलाई लगाना होगा, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। फटाफट मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ऐसे ही हमें पूरे साइड पे लगा लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर पिन टक्स डाल लिया है और सारे पिन टक्स एक बराबर के होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने डाला हुआ है। यह हमारे बॉटम के स्लीव्स पे होगी। अब हमने यहाँ पर पट्टी ली हुई है, ये पट्टी जो है हमारी वो हमने 1 इंच की रखी हुई है और 1 इंच यानी कि 2 फोल्ड में हमारी 1 इंच की पट्टी होने वाली है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सीधे साइड पर रखना है और सीधे साइड पर रखने के बाद में हमें इसमें सिंपल सिलाई लगा लेना है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इस स्लीव्स की जो लुक आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो
अब हमने यहाँ पर आगे की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। ये अटैच होने के बाद में हमें सिंपल आगे की तरफ सिलाई लगाना है कपड़े को अंदर फोल्ड करके, ताकि हमारी जो आगे की फिनिशिंग है वो भी अच्छे से आ जाए। और पिनटक्स पे ध्यान रखना है कि हमारे सारे पिनटक्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने पिनटक्स पे भी डायरेक्शन देखते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम फिटिंग दे देते हैं। तो फिटिंग आपकी जितनी भी होगी उतनी ही आपको फिटिंग रखनी है, और डबल सिलाई लॉक करते हुए हमें आगे की तरफ इस पर मार्क कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने फिटिंग दे दी है। और फिटिंग देने के बाद में हमारी स्लीव्स किस तरीके से आई है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स फाइनल रेडी हो चुकी है।